आज का ये शो आज प्रारंभ कर दिल्ली स्टडी ग्रुप के प्रेसिडेंट श्री विजय से निवेदन करूंगा, जल्दी जी आप आए, सबका इंट्रोडक्शन कराएं ताकि शो शुरू हो सके। प्रिय मित्रों, केंद्र मंत्री जी किशन रेड्डी जी के सानिध्य में द कश्मीर फाइल्स जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों के स्ट्रगल और जेनोसाइड के ऊपर विवेक अग्निहोत्री जी के द्वारा निर्देशित इस फीचर फिल्म को, जिसे अभिषेक अग्रवाल जी ने प्रोड्यूस किया है और जिसके प्रमुख अभिनयकर्ता पल्लवी जी आज हमारे बीच में हैं। पल्लवी जी, हम आपका स्वागत करते हैं। रेड्डी जी के सानिध्य में दो दिन के अंतराल में आज के इस कार्यक्रम का समायोजन हुआ। हीरो भी हैं दर्शन कुमार, हीरो हैं फिल्म के दर्शन। फिल्म के जो हीरो हैं, अगर उनका नाम नहीं लिया तो आपको ताली बजाने का मौका चूक जाएगा। दर्शन कुमार जी जो फिल्म के हीरो हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बादशाह जी हमारे बीच में हैं, इन्होंने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। भाषा जी ने आज के इस कार्यक्रम में तीन देशों के राजदूत, गुयाना के हाई कमिश्नर चरणदास प्रसाद, चरणदास इफ यू कैन जस्ट स्टैंड देयर फॉर अ मिनट, फिजी के हाई कमिश्नर कमलेश एस प्रसाद, मोंटी नीग्रो की काउंसिल जनरल जेनिस दरबारी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी, फिल्म के को प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल जी, प्रोड्यूसर साहब। मैं जब इनसे बाहर मिला तो मैं इनसे हाथ नहीं मिला रहा था, मैं इनके चरणों की तरफ झुक रहा था, क्योंकि इनकी वेशभूषा ऐसी है जो हमारे मन से इनके प्रति सम्मान अर्जित करती है। तो जोरदार तालियां बजाकर इनको स्वागत करूं। रेड्डी जी, अभिषेक जी को रेड्डी जी का इशारा है कि जॉली जी आज आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, लेकिन आज माइक डॉक्टर विजय जॉली के हाथ में है और मुझे फिर भी उनके सहयोगी होने के नाते उनकी आज्ञा का अनुकरण करना होगा। मैं इस बेहतरीन फिल्म को, अभिषेक जी, आई वॉज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसेंटली एंड द टीम विच वॉज ऑर्गेनाइजिंग द इनिशियल शो ऑफ योर्स, I was associated with them because Delhi Study Group hamesha promoting people to people understanding all over the globe. Bhupendra Kansal aur main pichle 26 saal se Delhi mein ek satat team ke roop mein hum active rahe hain aur rahenge, aur isi kadi ke andar main Abhishek ko aamantrit karta hu ki hum sab logon ko wo sambodhit kare. Abhishek,
आदरणीय किशन जी और मेरे पूरे साथियों, आप लोगों का यहाँ पे स्वागत है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं विवेक जी को बोलूंगा, आप भी करूँगा यहाँ पर आके दो शब्द कश्मीर फाइल्स के बारे में कहें। पल्लवी जी, अगर अगर दो घंटे पचास मिनट की फिल्म बनाने के बाद भी मुझे कुछ और बोलना पड़े तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। मुझे जो बोलना था मैंने फिल्म में बोल दिया है। देखने के बाद आए हो, देखने से पहले पूछ सकते हैं। अच्छा, देखने के बाद नहीं पूछेंगे। मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, पल्लवी जोशी जी जो इस फिल्म की एक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, दर्शन कुमार जी, भाषा जी। मैं आपको बस ज्यादा बहुत वेट करना पड़ा, बिल्कुल टाइम नहीं लूंगा, आपको जाने में लेट हो जाएगा। नहीं तो एक बात बताता हूँ, ये जो फिल्म है ये आज से चार साल पहले 2018 में हमने इसका काम शुरू किया था, अर्ली 2018 में। और तब हमें ये समझ में आया था कि कश्मीर में जो हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ था लेट 80s और अर्ली 90s में, उसकी जो भी बात हमने सुनी है, जिसके बारे में जो भी बात हमने की है, वो सारी की सारी एक पॉलिटिकल और मीडिया के एंगल से की है। कश्मीर में जिन लोगों की मृत्यु हुई, जिनके घर छूटे, जो उसे बाहर निकले, उनके बारे में तो बहुत बात हुई है, पर उनके साथ किसी ने आज तक बात नहीं करी। इसलिए हमने जहां भी विश्व में जहां भी फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स हैं, फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स मतलब जिनके परिवार में किसी की हत्या हुई, रेप हुआ, बच्चे को मारा, भाई बहन को, चाचा चाची को मारा, जो उन्होंने खुद देखा अपनी आंखों से, या उनके घर जलाए गए, उन लोगों को देश विदेश में जहां भी थे ढूंढ ढूंढ के उनके यहाँ जाके, उनके घरों में, चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूके में हो, चाहे जर्मनी में हो, चाहे जम्मू में हो या दिल्ली में हो, कहीं भी, ऐसे हमने सब लोगों के लंबे लंबे वीडियो टेस्टिमोनियल्स किए। वो काम जो भारत में सरकारों को पहले करना चाहिए था वो हमने किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए उन्होंने खारिज कर दी थी जब उनके पास न्याय की मांग गई कुछ वर्ष पहले। वो सारे एविडेंस, सारे फैक्ट, सारे टेस्टिमोनियल्स जिनको सारे वर्ल्ड के कोर्ट्स रिकग्नाइज करते हैं, आज वो जो काम सरकारें और सुप्रीम कोर्ट करने में फेल हो गई, वो कुछ फिल्म मेकर्स ने किया। इसके पीछे तमाम लोगों की आराधना, त्याग, संघर्ष, तपस्या। आज जब मैं आपके बीच खड़ा हूं स्वतंत्र इंडिपेंडेंट इंडिया में, ये फिल्म बनाने के लिए हमारे खिलाफ फतवा इशूड है, हमें जान की धमकियां हैं, हमारे खिलाफ VIL से एक की तो आज ही सुनवाई थी, एक की कल सुनवाई है, पर उसके बावजूद हम ये इसलिए नहीं कर रहे हैं। आप खुद भी फिल्म देख के समझ जाएंगे, ये बॉक्स ऑफिस की फिल्म होती तो हम इसे अलग तरह से ही करें। इसका मकसद ये है कि भारत में भारतीय कहानियों को सुनाने में सब डरते हैं, इसीलिए डरते हैं कि PIL और ये ग्रुप और वो पॉलिटिकल ग्रुप, इसलिए डरते हैं। हमने तय किया, निश्चय किया, मैंने और पल्लवी जी ने और खासतौर पर अभिषेक जी, जब इस फिल्म को कोई फंड करने के लिए तैयार नहीं था, पूरे हिंदुस्तान में एक आदमी था जिसने मुझे फोन किया और उनने बोला ये कश्मीर पे आप फिल्म बना रहे, मैंने कहा, उनने बोला इसको मैं प्रोड्यूस करूं। और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं ये बात, क्योंकि ये बात मैंने आज के पहले कभी किसी पब्लिक फोरम में नहीं बोली। तो मैंने इनसे कहा, तो भाई देखिए ऐसा है कि हमारा ऑलरेडी इंडिया के एक बहुत बड़े स्टूडियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, आप कहानी सुन लीजिए, अगर आपको लगे इसमें आप घुसना चाहते हैं तो कुछ सोचा जाए। तो इन्होंने मुझसे एक बात बोली, विवेक जी मुझे सुनना भी नहीं है, मैं जानना भी नहीं चाहता हूं, अगर कश्मीर के जेनोसाइड पे फिल्म है, मैं अनकंडीशनली आंख बंद करके उसको अंतिम चरण तक उसको सपोर्ट करता हूं। उसी दिन हमने उस स्टूडियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया और अभिषेक जी के साथ ये फिल्म की, और आज ये आपके सामने खड़े हैं। माननीय कृष्णा रेड्डी जी हैं, मुझे याद है ये फिल्म शुरू करने के पहले मैं उनसे मिला था सिक्योरिटी के लिए, आपका मैं बहुत तहे दिल से आभार करता हूं। हम लोग आपके बहुत ही कुशल सहयोग के कारण कश्मीर में इस तरह की फिल्म करना असंभव था, लेकिन आपने जिस तरह से हम लोगों का सिक्योरिटी का आयोजन किया, आप जब फिल्म देखेंगे इसमें जो दृश्य है वो आज के पहले कभी वर्ल्ड के किसी भी फिल्म में ऐसे दृश्य आपको मिलेंगे। ये फिल्म आपको प्रस्तुत है, ये बहुत सारे यंग लोग, उन लोगों की तपस्या, संघर्ष और त्याग का नतीजा है। मैं चाहता हूं आपसे दो विनतियां करना, तो उसके तुरंत बाद आप फिल्म शुरू कर सकते हैं। पहली बात, आप सब जानते होंगे फोन उठा के फोटो खींचना या मैसेजेस चेक करना सिनेमा हॉल के अंदर एक क्रिमिनल ऑफेंस है
और चूंकि भारत सरकार के माननीय मंत्री जी भी यहाँ पे है तो कृपया उस क्रिमिनल ऑफेंस में इन्वॉल्व ना हो, या अपने फोनों को साइलेंट मत करिए, बंद कर दीजिए। दूसरी बात आपसे कहूंगा, आखिर में हमारे यहाँ ट्रेडिशन है हिंदी फिल्मों में, जैसे ही टाइटल आते हैं हम उठ के भागने लगते हैं। ये जो मृत्यु, जिन लोगों की मृत्यु, हत्याएं हुई है नरसंहार में, जेनोसाइड में, जिनका रेप हुआ है, जिनको जिंदा काट दिया गया है, उनके लिए ये बहुत अनादर का भाव होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हमने 4 साल इस फिल्म को बनाने में लगाए हैं, आप लोग भी 3 मिनट उन टाइटल्स का वेट करें, जब तक सारे टाइटल्स खत्म ना हो जाएं, लाइटें ना जल जाएं, अपनी जगह पे बैठे रहें। और उसका एक और कारण है, जब फिल्म खत्म हो जाएगी आपको समझ में आएगा कि आखिर में 2-3 मिनट अंधेरे में बैठना बहुत जरूरी है। इसी नोट पे मैं छोड़ता हूं, ठीक है? तो धन्यवाद, आप बाद में। अभिषेक अग्रवाल जी मेरा दोस्त भी है और मेरा पार्टी का समर्थक भी है, हमारे परिवार का साथ भी रहते हैं। ये बहुत तेलुगु पिक्चर में बहुत प्रोड्यूस किया है और बिजनेस भी करते हैं, मगर एक दिन बोले मैं कश्मीर के बारे में पिक्चर निकलने वाला हूँ, वो भी अच्छे डायरेक्टर।